बात स्वागत है आपका और बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। चुनाव आयोग की तरफ से आज दोपहर 3:30 बजे महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान की जाएंगे। महाराष्ट्र के सभी 288 सीटों पर जहां एक चरण में चुनाव संभव है, तो वहीं झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 से 3 चरणों में चुनाव जो है वो संपन्न हो सकते हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में कुल 50 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान भी जो है हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि वायनाड में भी लोकसभा के लिए जो चुनाव है उसकी तारीखों का ऐलान हो सकता है, ये उपचुनाव होंगे। राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ी है, प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ से चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ, जहाँ झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। और इन सबके बीच महाराष्ट्र की तारीखों का भी ऐलान संभव है। झारखंड में जहां 81 विधानसभा की सीटें हैं, तो वहीं साथ ही साथ महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। बड़ी खबर एक और आपको बताएं इसी से जुड़ी हुई, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां चुनाव को लेकर आज बीजेपी की अहम बैठक है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में ये बड़ी बैठक होनी है, 7:00 बजे झारखंड चुनाव को लेकर ये बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और चिंतन और मंथन होगा इसमें महाराष्ट्र के इतर झारखंड की तमाम सीटों को लेकर। आखिर किस तरीके से, क्योंकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का झारखंड स्टूडेंट यूनियन और जेडीयू के साथ अलायंस है, ऐसे में सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा, किन किन उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग सकती है, ये देखना आज अहम होगा। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जो अधिसूचना जारी की गई है उसके मुताबिक आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान जो है वो होगा। इसमें विशेष तौर पर झारखंड और महाराष्ट्र की तारीखों पर सबकी नजर रहेगी। लगातार हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, नीतीश झा हमारे साथ मुंबई से तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और रितेश मिश्रा हमारे सहयोगी झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं रितेश आप ही का रुख कर लेता हूँ। एक बड़ा सवाल यह है कि झारखंड में जहाँ बीजेपी का गठबंधन झारखंड स्टूडेंट यूनियन और जेडीयू के साथ है, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी भी अभी कुछ दिन पहले झारखंड में एक बड़ा कार्यक्रम कर चुकी है और वहां चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो क्या चिराग को भी इस गठबंधन में जगह मिलती हुई नजर आएगी या फिर चिराग वहां पर अकेले चुनाव लड़कर खेल बिगाड़ने का काम कर सकते हैं? देखिए, चिराग पासवान की अगर बात करें तो उन्होंने एक बैठक की थी और झारखंड में बहुत बड़ी बैठक उन्होंने की थी और उन्होंने कहा था कि अगर गठबंधन में उन्हें जगह नहीं मिल पाती है तो वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी उस तरह से नोटिस उन्हें नहीं कर पा रही है। इसलिए नहीं कर रही है कि झारखंड में जिस तरह से उनके संगठन को मजबूती जो चाहिए थी वो उस तरह की मजबूती है नहीं वहां पर, अभी उनका संगठन पूरी तरह से बनकर तैयार भी नहीं हुआ है। लिहाजा अगर चिराग पासवान को गठबंधन में शामिल होते हैं तो 1 से 2 सीटें इन्हें मिल सकती हैं, वो भी काफी मुश्किल के बाद। अब बात होती है कि चिराग पासवान हो सकता है कि अकेले चुनाव लड़ रहे, तो अकेले भी अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि हाँ, जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू की एक अपनी राजनीतिक पैठ है, झारखंड में भले ही सीटें उसके पास नहीं आती हैं लेकिन कई सारे जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर जेडीयू का दबदबा है और यही कारण है कि वहां पे उसके, आप देखिए कि राज्यसभा सांसद भी हैं, वहां संगठन भी जेडीयू का काफी मजबूत है और यही कारण है कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीजेपी के जो शीर्ष के नेता है उनसे हुई है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव सभी लोगों के साथ बिल्कुल बिल्कुल। मैं नीतीश का एक बार फिर से रुक कर लेता हूँ। नीतीश मुंबई से हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, क्या कुछ स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र की विशेष तौर पर मैं बात करूं तो वहां पर नजर आती है और सीट शेयरिंग के लिहाज से फैसला कब तक संभव है? जी बिल्कुल, देखिए सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही महायुति और महाविकास अघाड़ी की जो बैठक है वो बीते 1 महीने से चल रही है और अंतिम दौर में जो है एकनाथ शिंदे अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं और अमित शाह के साथ मिलकर महायुति की सीट शेयरिंग के ऊपर जो है आखिरी मोहर जो है लगाया जाएगा, इस तरह की जो है बातें निकल कर सामने आ रही है। तो वहीं कल दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, महाराष्ट्र चुनाव की रणनीति को लेकर, जिसमें राहुल गांधी ने खुद महाराष्ट्र में तैयारियों की समीक्षा की और
और जिसमें महाराष्ट्र के तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो है इस बैठक में मौजूद रहे। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, वर्षा गायकवाड़, पृथ्वीराज चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, वो तो ऐसे में महाराष्ट्र में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक अलग से जो बैठक है अपने पार्टी के नेताओं के साथ की है और समीक्षा की है, और क्या कुछ दिशा निर्देश राहुल गांधी के तरफ से उन्हें दिए गए सीट शेयरिंग को लेकर, वो यहाँ पर जब महाविकास अघाड़ी की बैठक होगी, जब शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले साथ बैठेंगे तो उस समय जो है पत्ते खोले जाएंगे, कितनी सीटें किसको मिलेगी। और सबसे अहम सवाल जो है चंदन यही बना होगा कि महाविकास अघाड़ी जो है मुख्यमंत्री चेहरा किसे घोषित करती है, या महायुति जो है वो मुख्यमंत्री चेहरा किसे घोषित करती है, क्योंकि दोनों ही पार्टी के तरफ से अब तक जो है मुख्यमंत्री चेहरे पर जो है खुल के बात नहीं की गई है, और दोनों ही अक्ष और विपक्ष में दोनों में ही महायुति और महाविकास अघाड़ी में कोई भी पार्टी जो है मुख्यमंत्री चेहरे पर खुलकर बात नहीं कर रही है। एकमात्र महाविकास अघाड़ी में जो है शिवसेना यूबीटी जो है वो मुख्यमंत्री चेहरे पर जोर दे रही है और अड़ी हुई है। तो ऐसे में सबसे पहले तो जो चुनाव होंगे उसके मुद्दे जो है वो दर्शकों को बता दे चंदन, जिस तरह से बीते साल दो साल से महाराष्ट्र की ये पूरी राजनीति जो है गरमाई है अलग अलग मुद्दों को लेकर, तो इस तरह से जहाँ महायुति जो है अपने बीते काम को लेकर उतरेगी, जो उनकी स्कीमें लाई गई थी लाडली बहन योजना, या जो तमाम कल जो कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया टोल जो हल्की वाहन है उनके टोल माफ को लेकर, महाराष्ट्र में 5 टोल है उसे फ्री करने का, तो ये इन सारी स्कीम्स को लेके ये सारे काम को लेकर जो है महायुति मैदान में उतरेगी, तो वही महाविकास अघाड़ी जो है वो फूट की राजनीति, दल बदल की राजनीति। बिल्कुल, दल बदल की राजनीति। संजय जी का मैं रुख करता हूँ। संजय जी, सवाल ये है कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के परिणाम जो है वो उस तरीके से अच्छे नहीं नजर आए थे, और जो स्थितियां नजर आ रही थी जहां मराठवाड़ा में तो विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो बीजेपी वहां पर एक तरीके से पिछड़ती हुई नजर आई। अब चूंकि विधानसभा चुनाव में लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ दौरे किए बीते 2 महीनों से, और खास तौर पर हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जिस तरीके से बीजेपी जो है वो एक तरीके से उत्साहित है, ऐसे में जो चुनौती है बीजेपी के सामने वो किस तरीके से महाराष्ट्र के लिहाज से बीजेपी जो है वो वहां पर टैकल करती हुई नजर आएगी, और खासतौर पर अगर मैं सीट शेयरिंग के लिहाज से आपसे ये सवाल पूछूं तो लगभग लगभग कब तक की तारीख आपके सूत्र बता रहे हैं जब जो सीट शेयरिंग है वो फाइनल हो जाएगी और उम्मीदवारों के नामों के ऐलान शुरू हो जाएंगे? देखिए, कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, तो कल बीजेपी की लगभग 100 सीटों पर मोहर लगा चुकी है, उन पर मोहर लगा देगी, और इन नामों की घोषणा हो सकता कल रात तक हो जाए या फिर 1-2 दिन में हो जाए, क्योंकि बीजेपी की तैयारियां काफी तेज चल रही हैं और बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी करने में सबसे आगे बनी रहेगी, नंबर वन। नंबर टू, जहां तक आपने सीट शेयरिंग की बात की है, तो बीजेपी के का यही कहना है कि 162 सीटों पर बीजेपी पिछली बार चुनावी मैदान में उतरी थी, तो इस बार बीजेपी कम से कम 162 के ऊपर यानी 165 से 170 सीटें का दावा कर रही है, 160 से 170 के बीच बीजेपी कहीं चुनाव लड़ेगी। जहां तक बात है शिवसेना की, शिंदे गुट की और अजीत पवार गुट की, तो अजीत पवार गुट को 45 से 50 सीटें मिलनी है और 80 से 90 के बीच में कहीं शिवसेना शिंदे गुट रहेगा। अब हम आप बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र कितना आम है लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी के लिए, तो बीजेपी ने उसी को ध्यान में रख करके लाडली बहन योजना शुरू की है। जिस तरीके से हमने देखा मध्य प्रदेश में बीजेपी हारते हारते चुनाव जिस तरीके से बीजेपी ने जीत में बदला, और उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है लाडली बहन योजना का, तो महाराष्ट्र में लगभग 4 किस्तें महिलाओं के खाते में आ चुकी हैं, तो बीजेपी को लगता है कि ये उनका ट्रंप कार्ड होगा महाराष्ट्र का विधानसभा जीतने के लिए। जिन महिलाओं के खातों में पैसा आ चुका है, तो बीजेपी मान के चल रही है कि महिलाओं के वोट खुल के बीजेपी के पक्ष में पड़ेंगे, और सिर्फ महिलाओं के नहीं उनके परिवार के भी वोट पड़ेंगे। और जहां तक बात है लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव परिणामों में और विधानसभा चुनाव में साफ साफ अंतर देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि विधानसभा चुनाव राज्य का माहौल देख करके राज्य की स्थिति तय करते हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को अगर किसी से नुकसान संभावित है तो वो हो सकता है अजीत पवार गुट से, क्योंकि अजीत पवार गुट से नुकसान बीजेपी को लोकसभा चुनाव के दौरान तगड़ा हुआ है, क्योंकि जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने महायुति में अजीत पवार का बीजेपी और शिवसेना के साथ आना स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, और साथ ही साथ जिस तरीके से शिवसेना को 2 टुकड़े में बांटना, एनसीपी को 2 टुकड़े में बांटना, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता को उसको लेकर के नाराजगी रही है।
तो कहीं ना कहीं महायुति को महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा में स्वीकार नहीं किया था। इसी को ध्यान में रख करके बीजेपी और शिवसेना ने कई तरह की जनता को लुभावने की योजनाएं लागू की हैं। इसमें सबसे बड़ी योजना जो है लाडी बहन योजना है, जिसमें महिलाओं को 4 महीनों की किस्तें उनके खाते में जमा हो चुकी है और साथ ही साथ दिवाली पर बोनस देने की भी घोषणा हुई। बिल्कुल, ये अहम तमाम मुद्दे हैं वो नजर आएंगे। रितेश लगातार हमारे साथ बने हैं। रितेश, जिस तरीके से इंडिया अलायंस की अगर हम विशेष तौर पर बात करें, और चूंकि हरियाणा में जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा उसके बाद एक बड़ी उहापोह की स्थिति वहां पर भी इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर नजर आ रही है। हेमंत सोरेन